आज मैं आपसे मिली नहीं सुबह उठ के, क्योंकि आज बस ऐसी भागम भाग में रही और आज वैसे भी लेट गई ऑफिस, और आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल गई हूँ क्योंकि मुझे एक काम आ गया है अर्जेंट, जिसके लिए मुझे बहुत जल्दी निकलना पड़ा ऑफिस से। और मैंने गलती करी है, मैं किसी को बता के नहीं आई हूँ, बस मैं निकल गई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। आज मेरी शक्ल देख के लग भी रहा होगा कि मैं सच में टेंस हूँ। आज मैं थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ एक्चुअली। आई कांट इवन टेल यू कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन और आप सब बताओ, आप सब कैसे हो? और मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, आज भी बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और हल्की हल्की हल्का हल्का झरना भी पड़ रहा है, मस्त हो रहा है मौसम एकदम। ये थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा है अजीब सा, जो मेरे चश्मे पे भाप चढ़ गई है मास्क की वजह से, तो मेरे को दिख नहीं रहा, थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है। और अभी मैं मेट्रो स्टेशन पे जा रही हूँ अंदर। बहुत ट्रैफिक है यार नीचे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। मेट्रो में भी काफ़ी भीड़ होगी, तो देखते हैं, चलो चलते हैं फिर। पता नहीं, मुझे एक काम है, मैं वो काम आपको बताना नहीं चाहती क्योंकि कभी मेरा वो काम हो या नहीं हो, लेकिन हाँ जब मैं वो काम करूँगी, अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। तो पहले से पहले बोल के नहीं रखना चाहती मेरा क्या काम है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो फिर मैं आप लोगों से क्या बोलूँगी, इसीलिए अभी मैंने आप लोग को नहीं बताया है। सो बस नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई मेट्रो, आएगी तो निकलते हैं फिर यार, चलते हैं। आज मैं अपनी ऑफिस की मस्ती मिस कर रही हूँ, अपने काम के चलते हुए मुझे आज अपने ऑफिस की मस्ती मिस करूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाम के टाइम पे हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद हम बहुत मस्ती करते हैं। हाँ वैसे तो थोड़ा बहुत जितना भी था, आज हमारा एक दोस्त है पुराना, मतलब पुराना क्या, उसको मॉर्निंग की शिफ्ट में डाल दिया था, हम लोग इवनिंग में आते हैं, तो आज वो मिला क्योंकि उसकी आज जनरल शिफ्ट कर दी थी, तो अभी हम उसके साथ चाय और जलेबी वलेबी पीते हैं, हमें बहुत मज़ा आया। मेट्रो ने मुझे उतार दिया है और यहाँ पूरे में पानी पानी कीचड़ कीचड़ हो रहा है। अब मैं ये फ्लाईओवर जो है, ये ब्रिज जो है मेट्रो वाला, इसे क्रॉस करके उधर की तरफ जाऊंगी। हाँ तो चलो फिर चलते हैं, आप लोग बताओ कुछ। ऑफिस से निकल के मैं आई हूँ सेक्टर 104 और अभी मैं इधर की तरफ आई हूँ यहाँ पे कुछ खाने के लिए। मैं कड़क सिंह के ढाबे पर हूँ और मैं उसके यहाँ पे से खा रही हूँ मलाई चाप रोल, तो आइए खाते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि वो कैसा लगा मुझे, कैसा था। चलिए चलते हैं। तो यही था मेरा काम, घूमना फिरना और खाना, जो कि पूरा हो चुका है, सफल हो चुका है पूरी तरीके से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरा सारा मूड खराब था अब सही हो चुका है। मुझे वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो मुझे वहाँ पे मेरी वो नहीं मिली, चाप वाला रोल नहीं मिला, तो फिर मैं इधर आई हूँ जायका, तो मैं अभी इधर आई हूँ जायका फास्ट फूड कॉर्नर पे, और मैं यहाँ पे खाने वाली हूँ वेज राइस प्लस चिली पनीर। तो देखते हैं ये भैया कितनी देर में देते हैं, वहाँ बहुत लेट हो रहा था इसलिए मैं छोड़ के आ गई। मैंने खा लिया, मेरा पेट भर चुका था, मेरे से थोड़ा सा बच गया, तो मैं भैया से बचा हुआ वो पैक करा रही हूँ, मैं उसे घर जाके खा लूंगी और अब मैं घर जाऊंगी। मजा आ गया यार बाहर का इतने दिनों बाद कुछ अच्छा सा खा के। पैक करा लिया, नाउ आई एम लीविंग। तो मैं अपनी गली में आ चुकी हूँ, अभी मेरे को एक काम कराना है तो उसके चलते मैं पार्लर जा रही हूँ,
अब देखो मुझे पार्लर खुला मिलता है या नहीं मिलता है। पता नहीं आंटी फ्री होंगी या नहीं होंगी, अगर फ्री होंगी तो मैं अपना काम करा ही लूंगी, नहीं फ्री होंगी तो मुझे रूम पे जाना पड़ेगा। मेरा चेहरा साफ साफ सा लग रहा होगा ना। हाँ मैंने आईब्रो वाईब्रो सब बनवा लिया और अब मैं अपने रूम पे वापस जा रही हूँ। वेज राइस गरम कर लिया और चिली पनीर भी गरम कर लिया है दोनों को मिक्स करके, और उसके बाद फिर मैं अपनी वीडियो एडिट करूँगी और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे आप लोगों के कॉमेंट देख देख के बहुत हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है। बहुत मज़ा आता है आप लोगों के कॉमेंट पढ़ के। तो ऐसे ही यार अपने आप प्यार देते रहो सब लोग मुझे, और मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट दोस्तों।